हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स और कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अप टू 10th लेवल पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स या कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन एन आर्म ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड देन द मेजर ऑफ एंगल। ऑप्शन है डबल्स, ट्रिपल्स, रिमेंस द सेम और नन ऑफ दीज। मतलब अगर कोई एंगल हमारे पास है उसके आर्म को एक्सटेंड किया जाए, जैसे मान लेते हैं ये एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी, चलिए इसको मान लेते हैं 70 डिग्री का है, और अगर इसके आर्म को, अब इस एंगल का आर्म कौन हुआ, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए या ओ बी को एक्सटेंड किया जाए तो एंगल में क्या चेंज आएगा वो बताना है। तो ओ बी को एक्सटेंड कर देते हैं या ओ ए को भी एक्सटेंड कर देते हैं तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए हमारा सही आंसर होगा रिमेंस द सेम, यानी एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप भी क्लास 11th, 9th या 6th में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज अनइक्वल देन द ट्रायंगल इज। ऑप्शन है स्केलिन, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए, जैसे ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है और एंगल ए अनइक्वल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल किस तरह का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो दो एंगल बराबर होता है उसके सामने वाला साइड बराबर होता है, यानी ए सी और ए बी बराबर है, और जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो जाता है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आइसोसेल्स ट्रायंगल। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, विच हैज़ ग्रेटर एरिया। फिगर दिया हुआ है दो, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, उसका मेज़र भी दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो रेक्टेंगल का लेंथ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह स्क्वायर का एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो स्क्वायर का साइड है एक साइड 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का एरिया जो है सो इक्वल आ रहा है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को बनाते समय या इस तरह का किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय आप लोग बहुत ही सावधान और सतर्क रहिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन सभी का फाइंड करना है सम, तो ऐसा ना हो कि आप ऑप्शन 1 पे टिक मार दें, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें देखना है कि 2 है और 2 के बाद 9/10 है, मतलब 0.9, उसके बाद 9/100 है 0.09, उसके बाद 9/1000 है 0.009 और उसके बाद फिर 1/1000 है तो 0.001 होगा, ठीक है, और इन सभी का सम क्या हो जाएगा 0.003, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 3।